आप अरूपा जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी हाँ जी, नंदीग्राम में खेला होबे कि ना होबे इस बार? रोहित जी, पूरा बंगाल में, पूरा बंगाल में इस बार खेला होके बंगाल का जनता खेलेंगे और बंगाल की जनता अपना वोट विकास के पक्ष में देंगे, ममता के पक्ष में देंगे, और जो सपना दूसरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी और झूठ वोट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच में देख रहे हैं, वो सपना सपना ही रह जाएगा। ऐसा क्या हो गया कि ममता बनर्जी को 3 दिन लगाना पड़ रहा नंदीग्राम में? कहाँ नंदीग्राम में 3 दिन ममता बनर्जी जाके रह रही हैं, आज कल परसों। आज पहुंची हैं, कल पर्चा दाखिल करेंगी, परसों शिवरात्रि वहीं मनाएंगी। अब जब देखिए, जब हम लोग उम्मीदवार होते हैं, जब कैंडिडेट होते हैं, तो वहां पर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बाहर तो ना आप है, ना हम है, ना कोई पार्टी के कर्मी है। तो उनको वहां पर वो जाएंगे, वो प्रचार करेंगे, पब्लिक से डीलिंग करेंगे। देखिए, हम लोग और ममता बनर्जी, हमारे जो नेत्री है वो ग्रास रूट लीडर है, और वो सीपीएम के टाइम में भी लड़ाई किए हैं और नंदीग्राम से अपना लड़ाई शुरुआत किए, अपना पॉलिटिकल जंग जो है, जो गांव गांव में अत्याचार होता था सीपीएम के टाइम में, वो नंदीग्राम से शुरू हुआ था। दीदी दीदी का नंदीग्राम के प्रति एक तो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि दीदी जो है लड़ाई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता का आवाज बन के इस जगह पर पहुंची है। लेकिन तो अपारूपा जी, पॉलिटिकल भाषा आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्योंकि आप राजनीति में हैं, आप सांसद हैं। क्या ममता बनर्जी ने पहला ही स्कोर लूज नहीं कर दिया नंदीग्राम की सीट पर अपने जूनियर, उनके खिलाफ वो जा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए और फिर 3 3 दिन वहां रुक रही हैं प्रचार करने के लिए? देखिए, ममता दीदी जो है उनका भवानी से हमेशा चुनाव लड़ती है। अब हमारी इलेक्शन कमेटी जो थे, 12 मेंबर्स की कमेटी है, जिनके चेयरपर्सन ममता बनर्जी है। अब जब दीदी, अभी एक इलेक्शन कमेटी का एक तो जो वो लोग डिसीजन लिए, और सबसे पहले जो है ममता दीदी जब एक नंदीग्राम में पब्लिक मीटिंग ले गई थी, वहां का पब्लिक चाहते थे कि ममता दीदी इस जगह पर खड़ी हो। तब शुभेंदु जी खुद नहीं, जब उनको श्योर था कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ममता, देखिए ममता बनर्जी जब तृणमूल कांग्रेस से अपने नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, कोई भी पार्टी से कोई भी वहां पर खड़े हो सकते हैं। और इन हेल्दी डेमोक्रेसी वी आर वेलकमिंग एवरीवन। लेकिन एक बात मत भूलिए रोहित जी, ममता बनर्जी का विकल्प ममता बनर्जी है, और शुभेंदु अधिकारी जो आज एमपी बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, या उनका परिवार में इतने कोई है सब, लेकिन ममता बनर्जी के छवि छवि के बाद उनका छवि ममता बनर्जी के साथ था, ये बात मत भूलिए। उनकी छवि से ममता ममता बनर्जी को बनर्जी लाभ फैक्टर हुआ, है, उनके क्योंकि काम से ममता ममता को लाभ बनर्जी हुआ चीफ फैक्टर या है। ममता की छवि से उनको लाभ हुआ? मुझे लगता है इसी बार के चुनाव में इस चीज का टेस्ट हो जाएगा। लेकिन गौरव भाटिया, ममता बनर्जी कह रही है कि 1 अप्रैल को वोट पड़ेगा और अप्रैल फुल बनाएगी जनता बीजेपी का। रोहित जी, ऐसा है कि स्कूटी नंदीग्राम नहीं जाना चाहती थी, लेकिन संभल नहीं रही थी स्कूटी, तो प्रदेश क्या संभलेगा? वो गलती से मिस्टेक हुआ है ममता बनर्जी से, ममता दी से, तो स्कूटी गिरेगी भी, गुरूर टूटेगा भी। और 12 सदस्यीय जो इनकी कमेटी है ना रोहित जी, अगर वो कह देती तो वाकई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे देती, वो चुनाव भी ना लड़ती, क्योंकि हम सब जानते हैं कितने लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी चलाई जाती है। लेकिन आज सवाल क्या है, जब से चुनाव की घोषणा हुई है रोहित जी, आप देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बौखलाहट निकाली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कुछ तो मिला नहीं। और ये खेला होबे कर रही है ना, जनता की भावनाओं के साथ ममता दीदी ने बहुत खेला है, अब जनता इनसे खेलेगी, और ऐसा खेलेगी कि दोबारा ये राजनीति में चुनाव नहीं लड़ेंगी, खासकर नंदीग्राम से। तीसरी बात आप मुझे बताइए, 30 साल से जीती हुई इनकी पारंपरिक सीट क्यों छोड़ के जो है चली आई? इसलिए भवानीपुर छोड़ी क्योंकि इनको पता है जो इनका विक्ट्री मार्जिन है वो सिकुड़ता ही जा रहा है,
पहले 50,000 से वो 3,000 रह गया था, और ये जानती थी कि 3,000, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो इनकी है, कि अब ये वहां हार जाएंगी। तो इसलिए स्पष्ट है कि ममता दीदी अब जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है। एक दो प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा। जो आंकड़े, इनकी एक वेबसाइट होती थी, अब नहीं है, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, वो क्यों नहीं काम कर रही? वो किस लिए नहीं काम कर रही रोहित जी? कि 12 लाख रुपए के MOU, प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं, यहाँ पे ममता दीदी की छोटी बहन आ रखी है, मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी, रोहित जी बचाइए मुझे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, 12 लाख, ओले 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 ओले, नहीं बीच में नहीं बोले, ओले ओले, अपनी अपनी बारी में बोले, ओके प्लीज, ठीक है। 12 लाख करोड़ रुपए के कह रहे थे MOU साइन किए हैं, 2019 में 2,84,000 करोड़। मैं अभी आपके चैनल पे जानना चाहता हूं बाकी दर्शकों की तरह, कितना रुपए का निवेश हुआ है। दूसरी बात, जो ममता बनर्जी ने टिकट देते वक्त कहा ना, उस पर गौर किया जाए, 42 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमान वो गाय है जो दूध देती है, उसकी दुलत्ती भी खाऊंगी। 42 मुसलमान कहना अपने आप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और संविधान को तार तार करना है। इनके खिलाफ तो मैं अपील करता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए कि धर्म के आधार पे ये टिकट दे रही है। गौरव जी, चुनाव आयोग के पास जाना था ना, यहाँ टीवी से अपील करना, आप भी जानते हैं वो केवल दिखाने के दांत होते हैं, खाने के दांत नहीं होते। हमारे हमारे एक ही दांत है, वो है खाने के, और ऐसा खाएंगे कि आपको 2 मई को पता चल जाएगा, 2 मई ममता दीदी गई,